फ्रेंड्स, आज मैं पोहा की रेसिपी बनाने जा रही हूँ, जो बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊँगी। झटपट तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी है, जो हेल्दी भी होती है। तो चलिए इसे मैं बनाती हूँ। मैं सविता आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे देख सकते हैं कि मैं ये चूरा ली हूँ, ना ही वो पतला है ना ही वो मोटा है, मीडियम साइज के चूरा है। तो मैं इसे पूरी तरीके से पानी में डुबो के, ना धोने के बजाय मैं छींटे मार के इसे चूरे को फुला रही हूँ। तो आप इसी तरीके से कीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि ज़्यादा फुलाने से, पानी में धोने से क्या होता है कि वो काफ़ी गीले टाइप के बन जाते हैं। तो इस तरह से छींटा मार के फुलाने से चूरे अलग अलग बन के तैयार होते हैं पोहा। तो ये देखिए मैं इस तरह से कर रही हूँ फ्रेंड्स, स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगी कि मैं किस तरह से इसे बनाई हूँ। और यदि ये वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए अब इसका सामग्री मैं देख लेती हूँ मैं क्या क्या यूज करूँगी। तो ये मेरी धनिया पत्ता है, हल्दी है, नींबू है, पनीर, जीरा, नमक, करी पत्ता, हरी मिर्च मैं काट के भी ली हूँ, गोटा भी ली हूँ, गाजर, मूंगफली दाना, प्याज और फ्रोजन मटर भी है। तो ये देखिए मैं चूरा फुला करके मैं ले ली हूँ, एक बॉल आया है चूरा, इसे कम था लेकिन फूलने के बाद इतना हो गया है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं, किस तरह से मैं बनाती हूँ। तो ये देखिए मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, और आप यदि रोस्टेड चना मूंगफली दाना को छिलके के साथ देना चाहते हैं तो आप तेल में दे के फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं छिलके के साथ यूज नहीं करूँगी, तो इसलिए मैं बिना तेल का ही यूज की हूँ। तो काफ़ी अच्छे तरीके से मेरी चना भून गई थी मूँगफली दाना, तो उसे मैं निकाल ली हूँ। अब उसी कढ़ाई में मैं तेल गर्म कर ली हूँ, और इसमें देखिए फ़ोरन के रूप में मैं जीरा और राई दी हूँ। इसके बाद थोड़ा चटक जाने के बाद मैं इसमें हरी मिर्च दो काट के दे दी हूँ, और ये देखिए मैं दो गोटा दी हूँ। अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसमें मैं प्याज डाल दूँगी, और इसे जलाना नहीं है, सिर्फ हल्का कलर चेंज हो जाएगा। इसके बाद इसमें देखिए मैं प्याज डाल दी हूँ। काफ़ी हेल्दी रेसिपी बन के तैयार होती है फ्रेंड्स। इसमें आप चाहें जितना भी तरह के सब्जी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, बीन्स, गोभी, आलू, बहुत तरह की चीज़ दे सकते हैं। और यदि ना देना चाहें तो कम सामान में भी ये बन जाते हैं। तो ये देखिए मैं फ्रोजन मटर देती हूँ, और गाजर को मैं घिस के दी हूँ, काटी नहीं हूँ, छोटे छोटे में घिस के दी हूँ, और ये करी पत्ता मैं डाल दी हूँ। तो इसे अच्छे तरीके से मिला लीजिए, थोड़ा सा इस पकाना है, हल्का सा, पूरा गलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा पकाना है। इसमें आप टमाटर भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दी हूँ, और इसमें हल्दी पाउडर थोड़ा सा दे दी हूँ, जिससे कलर काफ़ी अच्छे आते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए अच्छे तरीके से थोड़ा भूनने के बाद काफ़ी बहुत जल्दी ये रेसिपी तैयार हो जाती है फ्रेंड्स, और डाइट के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं, और इसे ज़रूर बनाना चाहिए। काफ़ी बच्चे लोग भी काफ़ी पसंद करते हैं, सफ़र के लिए भी ये काफ़ी अच्छे होते हैं, लंच बॉक्स में भी बच्चे को आप ये रेसिपी दे सकते हैं बना करके। तो ये देखिए मैं पोहा उसमें डाल दी हूँ, और अच्छे तरीके से मिला देने के बाद देखिए कलर कितने अच्छे से निखर के आ गई है फ्रेंड्स। अब चलिए इसमें मैं मूंगफली दाना डाल देती हूँ, जो रोस्ट करके उसका छिलका हटा दी हूँ। तो इस तरीके से मिला दीजिए, इसके बाद आपकी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। तो ये देखिए सर्व करने के समय आप मना निकालने के पहले आप उसमें एक नींबू का रस या आधा नींबू का रस डाल के अच्छे तरीके से मिला दीजिए। नींबू रस सबसे लास्ट में देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मैं निकाल ली हूँ। मेरी इस रेसिपी को आप इंजॉय कीजिए, यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा फ्रेंड्स। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आप लोगों से। तो आप लोग इसे ज़रूर बनाइए, और ज़रूर बताइए फ्रेंड्स कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे मुझे अच्छा लगता है। और ये देखिए पनीर आप चाहें तो उसमें टुकड़े में काट के भी दे सकते हैं, तो मैं घिस के ही पनीर को दी हूँ लास्ट में। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।